नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। झाबुआ जिले के मेघनगर में आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर कलेक्टर और एसपी द्वारा दौरा किया गया। यहां पर वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली और इसके अलावा स्ट्रांग रूम में जाकर यहां की व्यवस्थाएं भी देखी। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ लोगों को टीकाकरण पर जागरूक करने के लिए बुधवार को जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा और एसपी आशुतोष गुप्ता ने मेघनगर विकास खंड का दौरा किया। मेघनगर के बालक उच्चतर विद्यालय पहुंचे एसपी और कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम के साथ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश भी दिए, साथ ही आम जनता से कोरोना का टीका लगवाने की अपील भी की। सीएमओ और तहसीलदार के साथ एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि वो शासन के नियमों के अनुरूप ग्रामीण अंचलों के मतदान केंद्रों का दौरा कर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रखें, इसके लिए काम करें। साथ ही अगर मेघनगर विकास खंड या पूरे जिले की बात की जाए तो कोरोना के पहले टीके का 100% लक्ष्य पूरा करने के बहुत पास है, लेकिन कोरोना के दूसरे डोज को लेकर कलेक्टर ने कहा कि वो चाहते हैं कि लोग दूसरा टीका लगवाएं और इसके लिए उनमें जागरूकता फैलाई जाए। इस दौरान आगामी पंचायत निर्वाचन को लेकर आम जनता से निष्पक्ष रूप से प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की। जैसा कि आप सभी को पता है, राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर के चुनावों का निर्देश दे दिया है। इसके तारतम्य में हमारे जिले में 3 चरणों में चुनाव किए जाएंगे और इसके लिए पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दिया है। और आज इसी के तारतम्य में हमारे और एसपी साहब के द्वारा मेघनगर ब्लॉक पे जो हमारे स्ट्रांग रूम है उसका निरीक्षण करने आए हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है और चुनाव को देखते हुए वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट कराने पे सुरक्षा के साथ से हम चुनाव भी करा संपन्न करा पाएंगे, तो इसलिए दोनों गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए आज जिला स्तर के हम टीम के साथ निकले हैं। तो आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि जो अभी ब्लॉक में और ज़िले में जिन्होंने सेकेंड डोज ड्यू हो गई है और अभी तक नहीं लगवाया है तो कृपया आगे आएँ और लगवाएँ, ताकि पंचायत चुनाव हमें क्या कहते हैं किसी भी बाधा से रहित होकर और पूरी तरह स्वस्थ रहकर इसको हम संपन्न कराएँ।